निर्भया गैंगरेप केस के चारों गुनहगारों की फांसी की तैयारी शुरू हो गई है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने गुनहगारों को नोटिस जारी करके उनकी अंतिम इच्छा के बारे में पूछा है। जेल प्रशासन ने गुनहगारों से कई सवाल भी पूछे हैं। दरअसल जेल मैनुअल के मुताबिक सजाए मौत की सजा पाए कैदियों से फांसी से पहले उनकी अंतिम इच्छा के बारे में पूछा जाता है और उनकी इच्छा को पूरा कराया जाता है। अगर कोई वसीयत करना चाहता हो। निर्भया के गुनहगारों से जेल प्रशासन ने पूछा कि 1 फरवरी को तय उनकी फांसी से पहले वे अपनी अंतिम मुलाकात किससे करना चाहते हैं। उनके नाम अगर कोई प्रॉपर्टी या बैंक खाते में जमा कोई रकम है तो क्या उसे किसी के नाम ट्रांसफर करना चाहते हैं। आपको बता दें कि उनसे ये भी पूछा गया कि क्या वो किसी को नॉमिनी बनाना यानी किसी को वारिस बनाना या नामजद कराना चाहते हैं, क्या कोई वसीयत करना चाहते हैं या फिर क्या कोई धार्मिक या मनपसंद किताब पढ़ना चाहते हैं। सजायाफ्ता कैदी की इन तय इच्छाओं में वो जो चाहे उसे पूरा कराया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।